तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप लोग गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा देख सकते हैं गूगल एडसेंस, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये गूगल एडसेंस आपको कैसे मिलता है और कब मिलता है, और दोस्तों आपको इसे लेने के लिए अप्लाई कब करना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए फिर आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये गूगल एडसेंस आपको मिलता कब है और कैसे मिलता है, ठीक है ना। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका यूज बता देता हूँ कि इसका यूज क्या होता है, ठीक है ना। फ्रेंड्स, इसका यूज ये होता है कि आप लोगों का एड्रेस वेरीफाई करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो गूगल होता है तो गूगल आपका एड्रेस वेरीफाई करता है। एड्रेस वेरीफाई करने का मतलब ये है कि जो यूट्यूब चैनल को रन कर रहा है, यानी कि जो आप यूट्यूब चैनल को रन कर रहे हैं और जो आपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजा, तो जिसका चैनल है आप वही हैं, या फिर दोस्त आपका चैनल कोई और तो रन नहीं कर रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके चैनल को किसी ने हैक कर लिया हो, और उसके लिए दोस्तों वो आपके एड्रेस पर एक वेरीफिकेशन पिन भेजते हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको इस 6 अंकों का एक कोड मिलता है इस गूगल एडसेंस के थ्रू, ठीक है ना। फ्रेंड्स, जब आपके चैनल में 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि जब दोनों क्रिटेरिया कंप्लीट हो जाते हैं यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के लिए, तब दोस्तों आप लोग अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए रिव्यू भेजते हैं, ठीक है ना। तब दोस्तों आपका चैनल रिव्यू होने के बाद फ्रेंड्स, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में लॉगिन करना आना चाहिए। और आपको पता नहीं है कि गूगल एडसेंस अकाउंट में लॉगिन कैसे करते हैं, तो उसका मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, तो उस वीडियो को आप लोग जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उस वीडियो की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। जब आपने अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजा था, तब दोस्तों आपने वहां पर एक गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ, ठीक है। और दोस्तों, जब आप लोग चैनल को मोनेटाइज करते हैं, तब वहां पर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट 24 घंटे के अंदर अंदर बन जाता है, ठीक है ना। और आपको अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में जा करके देखना होता है कि आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में $10 कंप्लीट हुए कि नहीं। दोस्तों, जब तक आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में $10 कंप्लीट नहीं होते हैं, जब तक आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। यदि आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में $10 कंप्लीट हो जाते हैं, तब दोस्तों आपको वहाँ पर एक एक्शन बटन मिलती है। और अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो फिर दोस्तों, मैं डायरेक्टली जाता हूँ अपने गूगल एडसेंस में। एडसेंस में आने के बाद सबसे पहले आपको इसे डेस्कटॉप साइट पर खोलना है, ओके। तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप साइट पर खोल लेता हूँ। एक्शन बटन पर क्लिक करना है, एंड एक्शन बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको पेज ओपन होता है। तो यहाँ पर आपको शो हो जाता है वेरीफाई का ऑप्शन, ओके। तो यहाँ एक सेकेंड हम वेट करते हैं, और आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से पेज ओपन होता है। तो सिंपली आप यहाँ देख सकते हैं जो ये वेरीफाई का ऑप्शन है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके। तो जो ये वेरीफाई का ऑप्शन है, इस वेरीफाई नाउ पर क्लिक करके आपको वेरीफाई करना है, ओके। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ, एंड क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से पेज देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार कार्ड आर नॉट एक्सेप्टेड, ओके। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको गलती से भी आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड नहीं करनी है। बाकी आप पैन कार्ड लगा सकते हैं, वोटर आईडी लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो लगा सकते हैं, ओके। और इंडियन पासपोर्ट भी होता है, तो दोस्तों 4 चीज़ों में से कोई भी एक आप लगा सकते हैं। दोस्तों, सिंपली अब आपको करना क्या है, जो अपलोड की बटन शो हो रही है, तो आपको यहाँ पर अपलोड पर ओके करना है। और दोस्तों, आपको अपने वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड किसी की भी फ़ोटो यहाँ से फाइल में जा करके अपलोड करना है। खास बात दोस्तों, यदि जैसे कि आपका पैन कार्ड होगा या फिर वोटर आईडी होगी, तो उस पर 2 साइड होते हैं, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भरने के लिए यानी कि वेरीफाई करने के लिए केवल एक साइड ही पर्याप्त है, आपको दोनों साइड डालने की जरूरत नहीं होती है, ओके। तो दोस्तों, आप केवल एक साइड ही डालें, मैंने भी एक साइड डाला, सभी को एक साइड ही डालता है, ओके। एक साइड की फ़ोटो अपलोड करने के बाद फिर यहाँ जो आपको सबमिट बटन दिख रही है, तो आपको इस पर सबमिट कर देना है। दोस्तों, जो पेज ओपन होता है तो गॉटेट वाला, तो आपको यहाँ पर गॉटेट कर देना है, ओके कर देना है, ओके। दोस्तों, गॉटेट करने के बाद आपका गूगल एडसेंस का जो आईडी प्रूफ आपने दिया है, तो जब वेरीफाई हो जाएगा 2-4 मिनट के बाद। दोस्तों, मेरा तो 2 मिनट में ही वेरीफाई हो गया था। तो आपको यदि टाइम लगता है, मान के चलिए कि 5 मिनट 10 मिनट या फिर 1 दिन 2 दिन, ओके, तो आपको मेल के थ्रू ये बता देते हैं कि आपका जो गूगल एडसेंस में आईडी प्रूफ था वो वेरीफाई हो चुका है। तो फ्रेंड्स, जब आपका गूगल एडसेंस आईडी प्रूफ से वेरीफाई हो जाता है, तो आप यहां पर ऊपर देख पाएंगे कि यहां पर एक्शन बटन अब गायब हो चुके हैं, अब नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब एक्शन बटन के थ्रू यानी कि आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाने के बाद, अब जहां का आपने अभी एड्रेस दिया है, एड्रेस वेरीफाई करवाया है, तो फ्रेंड्स उस एड्रेस में आपके लगभग 2 हफ्ते या फिर 4 हफ्ते भी लग सकते हैं।
तो लगभग एक महीने के अंदर अंदर आपके एड्रेस में एडसेंस पिन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको एक खास बात बता दूं कि एक हफ्ते के बाद आपको अपने पोस्ट ऑफिस पर जाना है, जहां भी आपका पोस्ट ऑफिस है तो उस पोस्ट ऑफिस पर जाना है और वहां पर पूछना है कि क्या आपका एडसेंस पिन आया, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स एक हफ्ते के बाद आपको 7 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन में जाते रहना वहां, जब तक कि आपका एडसेंस पिन आ नहीं जाए, ठीक है।